नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं एशियन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक की अहम खबरों पर। सारंगढ़ ग्राम कुर्सी में एक युवक ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया। दरअसल मृतक नशे का आदी था और नशे में धुत होकर परिवार के लोगों को मारने के लिए दौड़ा रहा था। इसी बीच आरोपी को भी कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया, जिससे आक्रोशित युवक ने उसी कुल्हाड़ी से अपने पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया और वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल घटना सारंगढ़ ब्लॉक के कुर्सी ग्राम का है, जहां एक बेटा अपने पिता पर इतना आक्रोशित हो गया कि उसने कुल्हाड़ी से मारकर उसके पिता की हत्या कर दी। पुलिस की माने तो मृतक हालेंद्र टंडन नशे का आदी था और नशे में रहने पर अपने परिवार के सदस्यों को मारपीट करता था। कल भी मृतक हालेंद्र शराब पीकर घर के सदस्यों को मारपीट कर रहा था। इसी बीच दीप प्रकाश, जो उनका बेटा है, उसे भी कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया, लेकिन कुल्हाड़ी लड़के को नहीं लगा, जिससे आक्रोशित दीप प्रकाश ने उसी कुल्हाड़ी से अपने पिता पर इस प्रकार प्राणघातक हमला कर दिया कि मौके पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल घटना की रिपोर्ट पर मौके पर पहुंची सारंगढ़ पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जी, हमारा थाना क्षेत्र में करीब 10 किलोमीटर दूर में गांव है खुर्सी, वहां से कल हीरामती नामक महिला है, काफ़ी वृद्ध हैं, वो आकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। स्वतः है उसका बेटा ढालेंद्र, बहू कचराबाई, नाती डी प्रकाश और उसकी नतनीन है मोंगराबाई। उसका बेटा दारू पी करके हरदम लड़ाई झगड़ा करते रहता था। कल करीब 3 बजे ढालेंद्र टंडन, उम्र करीब 45 साल है, वो शराब पी करके घर के सारे बच्चों को, महिलाओं को मारपीट करने के लिए दौड़ा रहा था। तो उसका बेटा है डी प्रकाश, वो शरीर से थोड़ा अपाहिज है, तो वो झगड़ा झंझट को देख करके दूर में था तो उसको कुल्हाड़ी फेंक करके मारा, लेकिन संयोग से लगा नहीं तो डी प्रकाश उसी कुल्हाड़ी से लेकर के आया और अपने पिता के सिर में 6 बार वार करके हत्या किया है। रिपोर्ट पर हमने अपराध और मर्ग पंजीबद्ध करके विवेचना कर रहे हैं। आज हमने आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया है और कल वैधानिक कार्यवाही करके न्यायिक रिमांड ले लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन 24।